हिंदू धर्म में दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो वहीं जगह जगह पर रावण का पुतला जलाया जाता है। वहीं मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है और उसे जमाई का दर्जा दिया जाता है। मंदसौर आज विजयादशमी के इस अवसर पर असत्य पर सत्य के विजय के इस पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण को जगह जगह दहन किया जाता है। लेकिन एक जगह ऐसा भी है जहां रावण की पूजा की जाती है और उन्हें जमाई का दर्जा भी दिया जाता है। बात कर रहे हैं मंदसौर की। यहां महिलाएं जमाई राजा रावण की प्रतिमा के सामने से आज भी पर्दा कर निकलती हैं। तो कहाँ है रावण का ससुराल, देखिए हमारी इस खबर में। एक मंत्री भी बोल दो भैया, गरम नहीं चलता, गरम नहीं चलता, गरम नहीं कर दिया उसको। वहीं आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित दशानन रावण का ससुराल और ये है रावण की विशाल प्रतिमा जो काफी प्राचीन है। और दशहरे पर यहाँ पर रावण की पूजा की जा रही है। यहाँ बुराई के प्रतीक रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि उसे पूजा जाता है। दरअसल मान्यता ये है कि नामदेव समाज के लोग रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बेटी का दर्जा देते हैं। इसी लिहाज से मंदसौर में लंकापति रावण को जमाई का दर्जा दिया जाता है। दशहरे के दिन खानपुरा स्थित दशानन की विशाल प्रतिमा को पूजा जाता है। दशहरे के दिन समाज के सभी लोग ढोल धमाकों के साथ रावण की पूजा करने पहुँचते हैं। रावण को फूल हार पहनाए जाते हैं तो वहीं धूप दीप के साथ आरती कर सभी लोग लंकापति लंकेश रावण की जयकारों के साथ ढोल धमाकों से आरती भी करते हैं। इस आरती में समाज के सभी लोग के सहित महिलाएं बच्चे बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। खास बात तो ये है कि मंदसौर के जमाई रावण की प्रतिमा के सामने से आज भी महिलाएं घूंघट करती हैं। ये मालवा की संस्कृति है जहां जमाई को आदर सम्मान महिलाएं घूंघट निकाल कर करती हैं, यानी कि घूंघट रख कर महिलाएं सम्मान करती हैं। यहाँ महिलाएं हमेशा प्रतिमा के सामने से घूंघट करके निकलती हैं। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी वैसी ही प्रचलित है। बताया जाता है कि मंदसौर के खानपुरा में स्थित जमाई राजा रावण की ये प्रतिमा काफी ज्यादा प्राचीन है। जितनी खास जमाई राजा रावण के पूजा की ये परंपरा है उतना ही चमत्कारिक भी है। यहाँ रावण की पूजा के साथ लोग रावण से मन्नत भी मांगते हैं और दशानन अपने भक्तों की मन्नत भी पूरी करते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ रावण की प्रतिमा है दाएं पैर में लक्षा बांध कर मन्नत की जाती है और मन्नतें पूरी भी होती हैं। यहाँ लोग दशहरे के पर्व पर रावण की पूजा के साथ सुख समृद्धि की कामना और मन्नत लंकापति रावण से मांगते हैं जो पूरी होती है।
मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु दशहरे पर पूजा कर चूरमा बाटी का भोग लगाते हैं। वहीं मान्यता ये भी है कि बीमार व्यक्ति द्वारा रावण के पैरों में लच्छा बांधने से कई बीमारियां ठीक भी हो जाती है। इस दिन यहां पर कई लोग आते हैं और रावण के पैरों में लच्छा बांध कर अपने ऊपर आई विपत्तियों दूर करने के लिए रावण से प्रार्थना भी करते हैं। यहाँ के लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि रावण की पूजा करने से मंदसौर में कोई विपत्ति नहीं आती है। नामदेव समाज शहर की सुख समृद्धि की कामना लंकापति से करते हैं। SBR 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।